तो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूं। आज जो आज की तेजी देखने को मिली थी या तेजी कल के दिन भी देखने को मिल सकती है या आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग जो चार्ट पैटर्न बने हुए हैं इस चार्ट पैटर्न का मतलब क्या था मार्केट कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे और थोड़ी साइकोलॉजी के बारे में भी बात करूँगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पहले से हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, फिर आपका देखिए यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। मैं साथ में बात करूँगा अलग अलग टाइम फ्रेम पर, ये आपका बैंक निफ्टी है, ये आपका निफ्टी है, फिर मैं इस जगह देखिए अमेरिकी मार्केट के बारे में भी बात करूंगा, फिर आपको देखिए कई चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, साथ ही साथ में देखिए जो आपके FIS और DIS का डेटा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बने हुए हैं जैसे कि अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में हमको यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिली और मैंने जब लाइव स्ट्रीमिंग में मैं था आप जाके देखिए वहाँ पर मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था कि आपका ये 51,200 ठीक है ये वाला जो प्राइस है अगर इस प्राइस के ऊपर बाजार निकलता है तो हमको और तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसका एक रीज़न था, सबसे पहले रीज़न क्या था कि हम इस जगह 51,000 जो हमारा साइकोलॉजी प्राइस था इस प्राइस से अगर हम बात करें तो 200 पॉइंट हम ऊपर की साइड थे ठीक है। यानी बाजार ने यहाँ पर क्या कोशिश किया कि सबसे पहले जो कंसुलेट किया था, देखिए यहाँ पे जो आपका जोन था ये पूरा कंसुलेट वाला जोन था, यहाँ पे क्या हुआ जितने भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर थे यानी यहाँ पे जो बायर थे इन्होंने धीरे धीरे देखिए माल खरीदना चालू किया ठीक है, माल खरीदना चालू किया। और हुआ क्या कि अगर आप देखो ना अभी हो क्या रहा है कि कभी इस जगह युद्ध हो जाता है, कभी वहाँ पर युद्ध हो जाता है, कभी क्रूड ऑयल ऊपर की साइड चला जाता है और जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो उससे हमको नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि हम जितना भी पेमेंट करते हैं वो डॉलर में पेमेंट करते हैं ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका 51,000 का जो लेवल था ठीक है यहाँ पे मार्जिन ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद जो आपका 51,200 का लेवल है इसको ब्रेक किया और यहाँ पे मैंने आपको कहीं बोला था कि बाजार में आपको तेज़ी ही देखने वालेगी, शॉर्ट नहीं करना है। इसका रीज़न क्या था? शॉर्ट नहीं करना है। क्यों बोला था? क्योंकि अमेरिकी बाजार भी तेज़ी में था, उसके बाद एक अच्छा मूव देखने वाला और ये हमारा देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस था उसको भी देखिए इसने टारगेट हिट किया, प्लस ये वाला भी ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर भी टारगेट हिट किया, तो उसके बाद साइडवेज हो गए ठीक है, उसके बाद पूरा साइडवेज हुआ। अब ये साइडवेज क्यों हुआ इसका रीज़न आप समझिए, देखिए बाजार अगर आप एक दो घंटे में ही डेली अगर आप 500-600 पॉइंटों का मूव देगा तो आप समझ लीजिए कि वो 3 बजे तक तो 5-6 हज़ार पॉइंटों का मूव दे देगा और ऐसा अगर डेली देगा तो वो मुमकिन ही नहीं है मार्केट के अंदर ठीक है। तो इसलिए बाजार क्या करता है कि जो इम्पोर्टेंट पैसा आता है ये आपका जो स्मार्ट मनी जो आता है बाजार के अंदर वो पहले एंटर करता है, पहले पैसा बनाता है, फिर उसके बाद क्या होता है जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ठीक है वो एंटर करता है, फिर उसके बाद बाजार क्या कर देता है साइडवेज कर देता है। और आज के दिन आपने देखा होगा कि जो 5 मिनट का कैंडल बना था बाजार के अंदर उस 5 मिनट के कैंडल में देखिए इसने क्या किया, पहले कंसोलिडेट किया और फिर 15 मिनट के कैंडल में यानी 15 मिनट के कैंडल में ब्रेकआउट दिया और उसके बाद कंटिन्यू अगर ये कैंडल देखो ना तो 15 मिनट के कैंडल में बाजार बुलिश था। अब यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल आपको लगा के दिखाता हूँ तो यहाँ पे हुआ क्या, ओपन आपका एक जगह हुआ था जे वाला प्राइस आपका ओपनिंग का प्राइस था क्योंकि इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया था और फिर उसके बाद एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली। अब ऐसा कल भी देखने को मिल सकता है, मैं आपको उसका रीज़न बताऊँगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ हुई क्यों तेज़ी, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चीन और जापान दोनों जगह हमको तेज़ी देखने को मिली थी। चीन और जापान में अगर आप देखोगे तो तेज़ी हमको दिखाई दी। अब उससे हमारा क्या फ़ायदा, हमने क्यों तेज़ी दिखाई, तो इसका रीज़न था कि अगर आप देखें यहाँ पे मंथली डे वाली चार्ट पे देखोगे तो डे वाली चार्ट पे आपको क्या दिखाई देगा, डे वाली चार्ट पे आपको दिखाई देगा इस जगह कि हम पहले से बहुत गिर चुके थे ठीक है, हमारे यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल चुकी थी, बाजार नीचे आ चुका था और ऊपर का जब इसका प्राइस था तो 54,500 से देखिए हम करेक्शन दे चुके हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो हम पहले से करेक्शन दे चुके हैं,
हम पहले से हल्के हैं बाजार के अंदर, इसके वजह से देखिए यहाँ पे हमको तेज़ी देखने को मिली। अब क्या ये कल भी तेज़ी हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो कल की तेज़ी देखिए यहाँ पे, सबसे पहले आप इस चीज़ को भी समझिए कि आपका ये FIS का डेटा है, FIS के डेटे में हमको सबसे पहले क्या देखना है कि FIS कर क्या रहे हैं भाई, FIS ने अभी तक किया क्या है। तो FIS ने किया है एक जगह 58,000 का, देखिए यहाँ पे सेलिंग हमको दिखाई दे रही है, जो कि अगर आप देखो ना यहाँ पे देखिए एक तारीख को भी कितना माल बेचा था, 5,580 करोड़ के आसपास। फिर आपको यहाँ पे तीन तारीख को भी देखने को मिलेगा 15,240 करोड़ के आसपास का माल बेचा। फिर आपको 4 अक्टूबर को भी माल बेचा, उसके बाद देखिए 7 अक्टूबर को बेचा, 8 अक्टूबर को बेचा, फिर आपका 9 अक्टूबर को बेचा और फिर 10 अक्टूबर को भी माल बेचा। नेट नेट कितना माल ये बेच चुके हैं यहाँ पे, 58,000 का आपको माल इस जगह बिकवाली हो चुके हैं। अब देखिए हमारे लिए नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। क्यों नेगेटिव नहीं है इसको अपन समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने माल बेचा है, ठीक है, फिरंगी जाएंगे कहाँ पे, माल बेच गए, खुश हो गए, अच्छा लगा उनको माल बेच के, बाजार नीचे आया। लेकिन अब ये पूरा जो माल है ना वो इस जगह DIS ने खरीद लिया है, ठीक है, DIS ने इस जगह पूरा माल खरीदा। अब DIS कौन होते हैं भाई, तो DIS वो लोग होते हैं जो आप SIP करते होगे ना म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ से जो पैसा आता है वो DIS के थ्रू यहाँ पे आपको पैसा देखने को मिलता है। अब इन्होंने कितना माल खरीदा, तो यहाँ पे 57,792 करोड़ का माल खरीद चुके हैं, यानी अगर आप देखोगे तो जितना माल इन्होंने बेचा उतना पूरा माल आपके इंडिया मार्केट के जो DIS है उन्होंने यहाँ पे खरीदा है, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। उसके वजह से क्या हुआ, बाजार नीचे से फ्लो कर रहा क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि बाजार में अब क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, इस चार्ट को मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस चार्ट को देखिए कि यहाँ पे क्या कर सकता है ये बाजार। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ऊपर की साइड एक प्राइस है, यहाँ पे राउंड फॉर्मेशन बना। राउंड फॉर्मेशन बनने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो बायर आए थे बाजार के अंदर, ठीक है, या तो ये अगर पहले से ही यहाँ पे बाजार नीचे गिरा देते इसको, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैसा एंटर किया आज के दिन जो एंटर किया है बाजार के अंदर, अगर ये बाद में नीचे की साइड आ जाता है, ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते थे कि आज के दिन जो बाजार के अंदर पैसा आया है वो सिर्फ इंटर डे के लिए आया है। लेकिन आज के दिन जो पैसा आया वो ऐसा नहीं है कि इंटर डे के लिए आया है, क्योंकि वो बाद में होल्ड किया बाजार, और होल्ड करने के बाद यहाँ पे हमको क्लोजिंग देखने को मिली। अगर ये कल के दिन आपका 51,950 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम ऑलमोस्ट इस प्राइस तक जा सकते हैं, ये वाला जो प्राइस है हम यहाँ तक जा सकते हैं। अब यहाँ तक क्यों जा सकते हैं भाई, इसी जगह तक क्यों जा सकते हैं, तो समझिए यहाँ तक अगर आप देखो तो ये वाला जो आपको रेंज है यहाँ पे, जो आपका जो स्विंग का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या था, स्विंग था, जब बाजार आपका नीचे आ रहा था तो इस तरीके से आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो पहले वाले स्विंग के तो देखिए ऐसे हिट हो चुके हैं, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे सेलर जो थे, यहाँ पे जो आपके इन सेलर को तो मार्केट हिट कर चुका है। अब जो ये वाला जो सेलर है इसको अगर हिट करा रहा है तो इस प्राइस के ऊपर का बाजार निकलता है और 5 मिनट के कैंडल पर देखिए कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट का मतलब कि आपका 51,950 के आसपास ये कंसोलिडेट करता है और इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, यानी इसी जगह ये थोड़ा समय बिताता है, और समय बिताने के बाद अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो इस वाली प्राइस के ऊपर हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जिसमें अगर मैं बात कहूँ तो फिर आपको इस जगह 52,100, फिर आपका 52,200 और फिर आपका 52,300 और फिर आपका 52,400, ठीक है, हम इतना जा सकते हैं। और इसके ऊपर फिर ये अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर उसमें हम इंटर डे के अंदर देख सकते हैं। ये चीज़ें तो हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऊपर नहीं गया भाई, आज के दिन ऊपर गया लेकिन कल के नीचे आ गया, ठीक है, अभी आपके FIS यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, FIS ने सेलिंग किया, कल और ज़्यादा माल बेच दें या कहीं से कुछ हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो फिर उसमें हमको सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा, उस सपोर्ट की बात करते हैं। तो उसको हम कैसे देखेंगे, उसको देखेंगे हम 30 मिनट के चार्ट पे। अब 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, मार्केट ने जो फॉर्मेशन बनाया जब पूरा 30 मिनट का चार्ट था, जितना भी पैसा कमा के गए हैं ना मार्केट के अंदर, वो अगर आप देखो तो आपका जो शुरू का 30 मिनट का जो कैंडल था उसमें पैसा अच्छा बना है,
क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4 ठीक है, 4 कैंडल, यानी अगर आप देखो 2 घंटे की जो कैंडल थे वो आपकी ग्रीन है। फिर उसके बाद देखिए 1, 2, 3 सिर्फ 3 कैंडल ऐसी हैं आपकी जो बाजार के अंदर रेड बनी है, बाकी सारी कैंडल आपकी ग्रीन है। अब ऐसा हो जाता है कि कई बार बाजार नीचे की साइड आपका ओपन हो जाता है, अगर ये कंडीशन है हमको देखने को मिलती है, अगर ये नीचे की साइड ओपन हो जाता है तो इसको हम समझेंगे कि आपका 51,450 यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक सपोर्ट प्राइस देखने को मिलेगा। अब मैंने यही क्यों बोला, मैं बोल सकता था इस जगह 51,500, मैंने 51,450 क्यों बोला, मैं इस जगह को क्यों बोला, इस जगह को क्यों नहीं बोला, तो इसको आप समझिए। देखिए होता क्या है बाज़ार में, थोड़ा साइकोलॉजी समझिए, साइकोलॉजी को समझोगे पैसा बनेगा, नहीं समझोगे नहीं बनेगा। अगर मैं 51,500 बोलता तो कई बार बाजार क्या कहता है, नीचे की साइड आता है, इसको टच करता है इस वाले प्राइस को, और इसको प्राइस करने के बाद हमको सबको पता है ये साइकोलॉजी प्राइस है, इस प्राइस पे आया, इसको टच किया, लोगों ने बाइंग किया, एसएल कितना रखेंगे, 50-60 पॉइंट, इससे ज़्यादा एसएल कोई नहीं रखता। अगर इससे ज़्यादा एसएल रखते हो तो फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। इतना एसएल रखा, नीचे आया, एसएल को हिट किया, लोगों ने शॉर्ट किया, फिर ऊपर की साइड ले जाता है। यानी क्या समझ में आया कि साइकोलॉजी प्राइस सबको पता है, सबको दिखाई दे रही है, इसलिए वो क्या कहता है, साइकोलॉजी प्राइस पे आया, एसएल हिट किया, एसएल हिट करने के बाद लोगों का जो बाइंग करने का माइंड था ना, वो लोग भी सेलिंग करना चालू कर देते हैं, क्योंकि भाई आपके जो सपोर्ट थे वो ब्रेक हो चुके हैं। अब बाजार क्या वहाँ से और सेलिंग कर सकता है, ये लोगों के मन के अंदर आ जाता है, लेकिन वो क्या करता है फिर उसी जगह से आपका रिवर्सल कर देता है। तो इसलिए हमने ये साइकोलॉजी प्राइस ना लेते हुए उसके 50 पॉइंट हम और नीचे की साइड गए और वहाँ पे हमने सपोर्ट देखा, तो इस सपोर्ट के आसपास आता है तो यहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखने वाली। अब यहाँ पे अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आपको अमेरिका का जो डेटा दिखाता हूँ, ठीक है, इस डेटा को आप देखिए। डेटा अगर आप देखो डाउ जोन में लाइफ हाई के आसपास है, 409 पॉइंटों के आसपास की तेज़ी हमको देखने को मिली। नेकडेस्क अगर हम बात करें तो नेकडेस्क में भी हमको 0.5% के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में SPM 500 की बात करें तो ये भी 0.5% के आसपास की तेज़ी दिखाता है। जैसे कि मैंने आपके अमेरिकी मार्केट में बोला कि ज़्यादातर जो अमेरिकी मार्केट है वो तेज़ी के साइड चलते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखना है अमेरिकी मार्केट, यानी डॉलर देखना है, क्योंकि डॉलर अगर आप देखो ना तो सारे उस जगह से डॉलर मजबूत है, और हमको जो फ़र्क पड़ता है वो डॉलर से पड़ता है, क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल है और ज़्यादातर जो हमारे ट्रेड होते हैं वो डॉलर से होते हैं। तो डॉलर अगर इस जगह हमको डॉलर पे फोकस करना है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस किया करो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चीज मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बैंक निफ्टी और एक जगह निफ्टी लगा के रखा है, ठीक है, बैंक निफ्टी निफ्टी लगा के रखा है। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी के पैटर्न को, बैंक निफ्टी के पैटर्न को दोनों को समझिए। यहाँ पे पैटर्न किस तरीके से बनना है देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए इस तरीके से, यानी फॉर्मेशन क्या है, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन जी लास्ट में जाते जाते अगर आप देखो ना तो इस पैटर्न किस तरीके से देखिए, इस तरीके से, यानी यहाँ पे हो क्या रहा है कि लास्ट में जाते जाते जी आपका छोटा होते जा रहा है, यानी यहाँ से इस तरीके से हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और प्लस यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप भी हमको दिखाई दे रहा है, अगर जो इस गैप को फिल करना चाहता है तो हमको तेज़ी एक जगह दिखाई दे सकती है। हम निफ्टी के साथ आ जाते हैं तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी के पैटर्न दोनों सेम है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न है। इस डब्लू पैटर्न के क्या होगा, यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक गैप दिखाई दे रहा है, जैसा गैप हमको इस जगह बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा था वैसा ही गैप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये आपका ऊपर की साइड 25,140 के ऊपर जाता है तो इसमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जो बाउंस मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट आपका 200 से लेके 240 पॉइंटों के आसपास आना चाहिए, ठीक है, अगर ये अपसाइड निकलता है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझिए,
कि निफ्टी को अगर मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पर निफ्टी को, तो निफ्टी में एक चीज़ मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। निफ्टी में क्या सही नहीं लग रहा है, ऊपर तो ठीक है, देखो जब तेज़ी आती है तो तेज़ी जे देख के नहीं आती तो कि कोई गैप है या गैप नहीं है, क्योंकि मंदी आ रही थी तो उसने कोई गैप नहीं देखा था, लेकिन इसमें एक गैप है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो ये आपका ध्यान रखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गैप है, ठीक है, ये गैप है, हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये गैप अगर आप देखो तो इस गैप के आसपास अगर ये मिलता है, जो कि आपका प्राइस है 24,960, ठीक है, अगर ये इस गैप के आसपास मिलता है तो ये आपका सपोर्ट प्राइस है, यानी बाइंग प्राइस है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, गैप के आसपास आपको सेल नहीं करना है, अगर गैप के आसपास मिलता है तो ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर निफ्टी को अगर मैं छोटा कर देता हूँ इस जगह चार्ट को, और मैं 30 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है ये 30 मिनट के चार्ट पे, कि बाजार अगर आप देखो ना गैप के साथ अगर ओपन हो जाता है, ये अगर गैप के देखिए गैप के रीजन बहुत सारे हैं, जैसे आज के दिन तेज़ी हमको देखने वाली, क्यों देखने वाली, वही अमेरिकी मार्केट में तेज़ी देखने वाली, चीज़ें थोड़ी सही होते हुए दिखाई दे रही है, हम पहले से हल्के हैं और हमारा पहले से जो व्यू है वो तेज़ी का है, यानी हम पहले से तेज़ी है, बीच बीच में करेक्शन आते हैं, वही करेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपके FIS को जो डेटा आपका क्या आ रहा था, अभी तक नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है, अब वो डेटा अगर ये पॉजिटिव में आ जाता है, FIS अगर ये बाइंग साइड आ जाते हैं, तो हमको अगर ये गैप मिल जाता है तो गैप में हम क्या करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों समझो, गैप में हम क्या करेंगे कि गैप अगर ये मिलता है तो गैप में हमको ऐसा नहीं है कि गैप मिल गया और हमने 9:15 पे जाके बाइंग कर लिया, ऐसा नहीं, रिस्क मैनेजमेंट वाली भी कोई चीज़ होती है ना, तो गैप के आसपास ये अगर ये कंसोलिडेट करता है, समय बिता रहा है फिर उसके बाद निकलता है तो ठीक है, वरना हम काम नहीं करेंगे गैप के साथ, ठीक है, और बाइंग साइड तो हम नहीं करेंगे गैप के साथ। वही चीज़ अगर हम इस जगह देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखें जे वाले जो प्राइस है, देखिए यहाँ तक जे वाला जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक बैंक निफ्टी को जाना चाहिए, यहाँ तक आपका जाना चाहिए, लेकिन वही कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सिंपल ओपनिंग दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल ओपनिंग होने के बाद या गैप होने के बाद यहाँ पे अगर जो समय बिता रहा है ऊपर की साइड निकाल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर जो बड़ा गैप दे देता है इस वाले प्राइस तक, अगर जो बड़ा गैप दे देता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 52,400 के या आपका 52,500 के आसपास, तो ये बड़ा गैप अगर मिल जाता है तो यहाँ पर फिर हमको क्या थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये रेंज नहीं बनाएगा, एक ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक हमको तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आज हम पहले से चल चुके हैं, आज पहले से तेज़ी आ चुकी है, इसने समय बिताया, ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अगर जब गैप दे देता है तो गैप में क्या है, जे वाले जो लोग थे जो पहले से प्रॉफिटेबल है, लास्ट में भी जो लेके गए होंगे जब भी प्रॉफिटेबल होंगे, अब जो गैप अगर दे देता है तो गैप में क्या होगा, भाई दिन भर कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, जब जाके पैसा बनता है, लेकिन अगर पहले से ही गैप मिल गया और पैसा हमको ओपनिंग में ही देखने को मिल जाता है, सुबह सुबह पैसा मिल जाता है, तो फिर मैं क्यों रुकूंगा भाई, जब मुझे मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मेरी पोजीशन थी, फिर रुकता नहीं है इंसान, फिर क्या कहता है, प्रॉफिट बुक करता है, मार्केट को बोलता है जयराम जी की मैं कल आता हूँ देखता हूँ, लेकिन अभी मुझे पैसा मिल रहा है सुबह तो अभी तो मैं बुक करूँगा, ठीक है, क्योंकि उसका रात भर का पैसा लगा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी, भाई मेरा पैसा लगा है, कल अमेरिकी मार्केट कैसा होगा, किसी में कोई युद्ध तो नहीं हो गया, तो इसलिए अगर मॉर्निंग में पैसा मिलता है ना गैप के साथ, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बुक कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर लोग बुक कर रहे हैं और उसके बाद भी मार्केट इस जगह होल्ड है, मार्केट इस जगह समय बिता रहा है, इस जगह समय बिता रहा है, होल्ड है इसी जगह होल्ड है, तो उसमें फिर बाजार ऊपर की साइड निकल जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई दी है। वीडियो कैसा लगा जी जरूर मुझे बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।